हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी हिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सारी स्किन प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन, फेस ट्यून क्रीम। और गाइज ये क्रीम बहुत ही मैजिकल वर्क की है मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए। इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की है। मैं इसके सारे आपको बेनिफिट्स अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका प्राइस है गाइस 599। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इस क्रीम ने मुझे किस टाइप से फ़ायदा दिया है। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक सन के एक्सपोजर में जब हमारे फेस हो जाता है या हम मतलब बाहर निकलते हैं सनलाइट में तो हमारे फेस में कालापन आ जाता है कहीं कहीं, राइट। तो लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ज़्यादा होता है, तो मेरे फेस पे हल्का फुल्का ये मतलब स्पॉट्स आ गए थे फेस पे, थोड़ी सी डलनेस भी आ गई थी और स्पॉट बहुत सारे हो गए थे। मतलब जैसे पिंपल हो गया उसका फिर स्पॉट रह जाता है ना, पिंपल वगैरह के निशान बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो मेरे फेस पे कुछ कुछ स्पॉट्स अभी भी हैं, मतलब एकदम पूरे नहीं गए हैं, लेकिन अभी इस क्रीम को लगाते हुए मुझे सिर्फ हफ्ता या 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही इसका रिव्यू शेयर किया जाए। इसका रिजल्ट 100% गारंटेड है, मतलब जो ब्रांड है वो लोग 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि ये आपकी स्किन में इफेक्ट करेगा। लाइक मैंने शुरुआत में लगाया 2-3 दिन तो मुझे लगा यार इसमें कुछ इतना कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब 5-6 दिन के बाद जब लगातार आप लगाते रहोगे, मतलब हल्का फुल्का चेंज आया होगा तो मुझे उतना विजिबल नहीं हुआ, राइट। उसके बाद मतलब 7-8 दिन हो गए हैं लगाते हुए तो मुझे उसका अचानक से उसका मतलब इतना फेस में अलग सा ग्लो दिख रहा है और जो मेरे स्पॉट था, पिगमेंटेशन थी, वो भी बहुत डल हो गई। मैंने फेस पे सिर्फ CC क्रीम लगाई हुई है और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो आप बेयरली यू कैन सी लाइक माय स्किन पिगमेंटेशन है, मतलब उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा लगे कहीं। तो मुझे ये क्रीम का गाइस बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और वेडिंग सीजन है तो इस टाइम पे सब लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे फेस क्लियर हो जाए, हमें कम से कम मेकअप यूज़ करना पड़े और हम अच्छे दिखें, राइट। तो मैं इसकी आपको पैकिंग अब दिखाती हूँ खोल के। और इसकी पैकिंग इस टाइप से आती है कुछ, ये छोटी सी कांच की बॉटल है और इसमें मेटल का ढक्कन लगा हुआ है। ये बहुत ही क्यूट सी लगती है बॉटल। और ये क्रीम कुछ इस टाइप से है और ये दुबई बेस्ड कंपनी है गाइस, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, ये दुबई का है। और इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा लेके बताती हूँ इसका टेक्स्चर, ये देखिए। इसकी गाइस एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लेना आप लोग। नॉर्मली हम क्रीम कैसे लगाते हैं, फेस पे डॉट डॉट करके लगाया उसको अच्छे से रब कर लेते हैं, तो हमें इसको ऐसे नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आप ध्यान से देख लीजिए, इसको क्या करना है आपको ऐसे लगा लिया अपने फेस पे, मतलब डॉट डॉट करके आपने लगा लेना है और इसको फिर बस ऐसे ही सिंपल सा फैला के ऐसे मतलब धीरे से फैला लेना है, इसको पूरा ऐसे रब नहीं करना है एकदम से, जैसे ये मैं इसको बस इसको नॉर्मल सा अप्लाई कर लेना, फैला लेना है स्किन में। ये है नाइट क्रीम, इसको आपको दिन में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसका लगाने का तरीका ऐसा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जब आप रात में सोने जाएं उसके पहले आपने मुंह धो लेना, आपका जो भी फेस वॉश या जो भी आप यूज़ करते हैं फेस वॉश करने के लिए, तो आपने अपना फेस को धो लेना और उसको टॉवल से पोंछ के सुखा लेना है, मतलब गीले फेस पे बिल्कुल भी नहीं इसको अप्लाई करना, सुखा के फिर इसको अप्लाई करना है। और जो अप्लाई करने का तरीका है मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, ऐसे ही अप्लाई करना, इसको रब मत करना अपने फेस में, ठीक है। और जो नॉर्मली हम क्रीम लेते हैं उसको ऐसे ऐसे करके कि अब्सॉर्ब हो जाए हमें स्किन में, स्किन में अब्सॉर्ब करवाने की कोशिश मत करना, मतलब एक लेप टाइप का लग जाता है हल्का हल्का और वो मतलब आपको दिखेगी नहीं, वैसे भी आप जब लगाएंगे तो वो अपने आप ही अब्सॉर्ब हो जाएगी, लेकिन आप उसको कोशिश मत करना अलग से अब्सॉर्ब करवाने की, ठीक है। ऐसे लगाना है आपको और इसको रात भर छोड़ देना है लगा के, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो नॉर्मल पानी से आपको फेस वॉश कर लो, अपना मुंह धो लो और बस। और जो भी आपका मॉर्निंग में नॉर्मल रूटीन चलता है फिर आप उसके बाद वही अपना रूटीन कैरी ऑन कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रात में बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको लगाने के बाद कोई और क्रीम वगैरह ना लगाएं और इसको लगा के सो जाना है और मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से धो लेना है अपने फेस को फिर, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। और इसमें एक इस टाइप का ये मैनुअल टाइप का निकलता है कि इसको हाउ टू यूज़, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास ये क्रीम आ जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है,
ठीक है। और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रिकमेंड नहीं कर रही है ब्रांड कि आपके अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या आपको कहीं कट लगा हुआ है तो उस जगह पर ये आप प्रोडक्ट मत यूज़ करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मे बी, ठीक है। और इसका रिजल्ट 100% गारंटेड है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आज का वीडियो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी ये क्रीम का रिव्यू देख पाए और उनको अगर समझ में आए तो वो भी खरीद पाए। और इस क्रीम का लिंक मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, ताकि आपको परचेस करने में इजी रहे, आपको ढूंढना ना पड़े ज्यादा। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।